और इस वक्त हम हैं भूतनाथ इलाके में। भूतनाथ इलाका पटना में ही पड़ता है सर, और लोगों को जो सरकार है, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं है। इस कोरोना के काल में आप कोरोना से जहाँ पूरा देश जो है संक्रमित है, बिहार संक्रमित है, ऐसे में ये कोरोना इन लोगों के लिए कोई मामूली सी चीज़ बन के उभर रही है, क्योंकि इनको तो बारहो मास जो है और हमेशा जो है ऐसे ही रहना है। आप देखेंगे कि इधर कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करें, थोड़ा इधर दिखा दीजिए, ऐसे इस तरह की बस्तियां हैं, इन्हें बार बार तोड़ दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं इन बस्तियों में, पूरे बच्चे रहते हैं यहाँ, उसके बावजूद जो है यहाँ सरकार के द्वारा ये सड़कों का ये स्थिति है सर, इसके द्वारा लोग हमेशा क्रॉस करते हैं, यहाँ बच्चे रहते हैं। हेल्थ की क्या स्थिति होगी, कुपोषण की बात करते हैं, बिहार में क्यों नहीं बढ़ेगी कुपोषण, हेल्थ क्यों नहीं लोगों का खराब होगा सर? विधायक यहाँ के कौन है सर? अरुण कुमार सिन्हा है। अरुण कुमार सिन्हा उनके क्षेत्र पड़ता है। बीजेपी के विधायक हाँ कितने बार यहाँ पर आया गया है, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अच्छे दिन जो बीजेपी का एक नारा चलता है सर, अच्छे दिन का जो नारा चलता है केंद्रीय सरकार, तो ये क्या यही अच्छे दिन है सर? आप देखिए ना जबकि बगल में है रोज बाबा, जब सूखी हुई थी तो बाबा आते आ जा करते थे यहाँ की समस्या, कितने बार उन्होंने जब विधानसभा में, मतलब सर जब ये रोड सूखी हुई थी, पानी नहीं थी, तो अरुण कुमार सिन्हा हमेशा कितने बार आ जाएगा, हाँ बराबर जो आश्वासन दिए कि अब बन जाएगा, आपकी बन जाएगा, चकाचक हो जाएगा, पूरी लाइट की व्यवस्था हो जाएगा, इनको हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा। आपके घर में कितने बच्चे हैं सर? जी सर हमको तो 2 बच्चे हैं। तो आप इधर ही रहते हैं? जी सर एक लेकर रहते हैं, वही झोपड़पट्टी बनाए हैं वही में रहते हैं। किराया लेके रहते हैं सर? मतलब झोपड़पट्टिया में उसका किराया लगता है? नहीं सर मतलब जो पर यहाँ जो रहते हैं, एक जो पूरा जो ये इलाका दिख रहा है यहाँ, इतने सारे जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। आप यहाँ मास्क की बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है बड़े लोगों तक जाके सीमित रह जाती है। जिनके पास रोजमर्रा खाने पीने की सामान की दिक्कत हो, जिनके पास और जो अपने बच्चों को खाने पिलाने तक की दिक्कत हो, वो जो ऐसे जगह में रहने के लिए मजबूर हो, वो क्या मास्क लगाएंगे और क्या सैनिटाइजर लगाएंगे सर? जब आपको वोट लेना होता है तो आप तो आएंगे इन्हीं गलियों में आएंगे। रोड को सुखवा दिया जाता है यहाँ पे, रोड़े पत्थर भी दे दिया जाते हैं जब नेताजी यहाँ आते हैं, जब नेताजी को यहाँ आने नहीं दिया जाता है। इन्फेक्शन का डर है, हाँ इनको कोरोना का डर है, इन्फेक्शन का डर है, ये महामारी का डर उनको है, इनको महामारी का डर है, इन्फेक्शन का डर है, नहर खाली हो जाता है। सरकार के तो ये करना चाहिए कि कोई मतलब कि इंदिरा आवास कहीं कजो कोई बेलाउट टिकट दे लेते हैं, मतलब कि जमीन कहूँ बेजम्बड़ है, जैसे हमको कहने का मतलब हुआ सर कि कोई नहीं वो जमीन के पूछ रहा है, वही जमीन के ये सब नहर बला के दे दीजिए, अपना बेचारा हम लोग रहेंगे कमाने के लिए यहाँ आएंगे। बताइए इतना जमीन के खड़ी पानी में नीचे रहते हैं, रात में बारिश होता था। जमीन की बात दूसरे जगह है, जमीन के बाद दूसरी जगह है, लेकिन जो बात हो रही है इसी में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे जो रेंग करके इस पानी में ऐसे आते हैं, कुपोषण की बात आती है, महामारी की बात आती है, तो ऐसे में ये भी बिहार का ही हिस्सा है, जो बिहार की राजधानी पटना का एक हिस्सा है भूतनाथ इलाका, और ऐसे में लोग रहते हैं। या बच्चे देखिए छोटे छोटे बच्चे को, तो बाबू ये बताओ जो अभी आ रहा था खाना वाना बांटने आ रहा था नहीं मिल रहा था कुछ, तो यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खाना बांटने भी जो लोग आते हैं, सरकार के लोग आते हैं, एक दो पूरी दे देते हैं, और हाँ पहले लॉकडाउन के दौरान कुछ कुछ बांटा जा रहा था, लेकिन जो लॉकडाउन ये खाने पीने की बात भी दूसरी जगह, लेकिन आप जहाँ रहते हैं उसकी बात हो जाती है सबसे ज़्यादा। तो ऐसे में ये जो है पूरा इलाका जो है, ये पूरी बस्ती जो है ऐसे रोड में ऐसे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। सांसद ये विधायक महोदय हर साल आते हैं, सांसद महोदय यहाँ हर साल आते हैं, उनके लिए शायद मुझे लगता है इस बार नाव की व्यवस्था करनी होगी, नाव पे चढ़ के आएंगे इन्हीं जनताओं से वोट मांगने के लिए। विधायक महोदय जो है अरुण कुमार सिन्हा जी है ना, अरुण कुमार सिन्हा जी फिर आएंगे यहाँ नाव पे चढ़ के इन लोगों से वोट मांगने के लिए। उनको से भी जवाब लगाया जाएगा, जवाब जरूर 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 हम खुद देंगे जवाब, हम अपने खुद क्या जवाब दीजिएगा, हम ये पहुंच जाएगा सर अरुण कुमार सिन्हा तक, बता दीजिए। जवाब यही देंगे कि आप लोग जब समय आपको आता है तो आप लोग की पैरों पड़ते हैं,
जब समय आप लोग के पूरा होने के बाद क्या खटिया बिछा देते हैं आ कि पलंग बिछा देते हैं? जी जी जरूर जरूर, हम अपने साथी से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा यहाँ पैर डाल देते हैं। हाँ गया, इसके नीचे चैम्बर है, क्या है नहीं है किसको पता है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मैं अपने पैर से महसूस कर पा रहा हूँ, या चैम्बर की बात आ रही है, चैम्बर खुले हुए हैं, ये बच्चे कब ना जाने कब काल के गाल में जाके समा जाएंगे, ये बच्चे ना जाने कब काल के गाल में समा जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पटना का भूतनाथ इलाका है, ये पूरी आबादी जो है यहाँ की पूरी आबादी ऐसे ही रहने के लिए मजबूर है। ये इन लोगों का मुख्य जो सड़क है वो सड़क है। ऐसे में जो एक अच्छे दिन की बात आती है, जो सांसद महोदय करते हैं उनकी पार्टी करती है, और पार्टी की बात बाद में हो गई, ये जो मौजूदा सरकार करती है सुशासन की सरकार होने की दावा करती है, तो सर क्या यही है सुशासन? क्या यही है विकास? क्या विकास ऐसे ही सड़कों पर हो रहा है? क्या विकास क्या 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 विकास जो है ऐसे ही बच्चों के क्या विकास क्या भारत का जो मौजूदा विकास है ऐसे ही बच्चों के साथ रेंग रहा है? क्या बच्चे ऐसे ही कुपोषित होते रहेंगे सर? क्या यही है सर? जब आज़ादी के इतने बरस बाद भी इन लोगों को एक सड़क तक ढंग के नहीं नसीब हो सकी, और आप कौन से विकास की बात करते हैं सर? तो आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई भी सरकार होवे, हमको जब सुविधा होवे नहीं करेगा तो कोई सरकार हमको जरूरत नहीं है। तो इस बार सर विरोध करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, कोई भी से करेंगे, कोई भी सरकार होवे, मतलब हमको कहने का मतलब हुआ, जैसे ये झोपड़पट्टी है इनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, ठीक है, ये जगह सरकार के है, ये जगह पर हो सकता रोड है या कुछ भी होवे सरकार के, कि बेचारे को कहीं कोई देहात में कोई बंजर आदमी को बंजर जमीन कहीं नहीं मिल रहा था, कोई नहीं पूछता है, वहाँ पर ये सब के बिला दीजिए चला जाएगा, हैं कोई ज़मीन दिला दीजिए, ये सब बना दीजिए, बताइए हम भी हैं यहाँ पर हैं बच्चा के लेके, बताइए झोपड़पट्टी में रात में बारिश पड़ता तो इस तरह से बच्चा को गमछी का झाँपते हैं, उसको बाद में फिर क्या बतावें कहानी, कहीं एक डेग बढ़ाते हैं तब हम चुके चैम्बर है, पिछला डेग बढ़ाते हैं तो चैम्बर है, तो कहाँ बतावें हम? हमारा बच्चा देखिए कितना बच्चा है, कैमरा के सामने बताइए बताइए ना, देखिए कितना बच्चा हमारा। जो यहाँ के बच्चे हैं और ऐसे ही ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर होते हैं सारे बच्चे, जो मौजूदा सांसद है जिसकी भी बात करें, ये लोग अगर वोट भी दे तो क्यों दे, ये वोट का सरकार का विरोध क्यों नहीं करे? जब चाची सरकार जो कह रही है अभी वोट किसी नहीं देगा सर, कोई झोपड़ी वाला नहीं देगा, हमनी 500 साल से ऊपर से हैं, हाँ यही घर है, हाँ हमनी के बाल बच्चे इतने इतने को बैठते था जैने से हैं, ये पर ही हुआ है। तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बीत गई, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गए, लेकिन सरकारें बदलती रही, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद केंद्रीय सत्ता में बीजेपी की सरकार आई, हमेशा हमेशा बदलती रही, सब कुछ सारी गतिविधि बदलती रही, सरकार बदलती रही, लेकिन सड़क जो है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उनकी स्थिति जो है यहीं की वहीं पड़ी हुई है। हम और ये जो एक लंबा जो है ये इलाका, आप सारी कवरेज जो देख रहे हैं, आप भारत लाइव पे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन चलते हैं आगे हम लोग। देखिए ये पूरा जो एक इलाका है, पूरा इलाका है, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई सर, बोलिए सर, दिल खोल के बोलिए सर, दिल ये खोलिए के बोलते हैं, कोई भी सरकार रहे हम लोग पूरा झोपड़पट्टी किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपना खुद खड़ा होंगे, तो रोड नहीं तो वोट नहीं सर जी, रोड नहीं तो वोट हम नहीं। खुद खड़ा होंगे पूरा जनता के लेके, पूरा झोपड़पट्टी खाली होगा, बाकी जनता सरकार के रहे, झोपड़पट्टी हमको रहेगा, यानी कि इनका सीधा रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर इनके जीवन स्तर में झोपड़ी दो चीज हमको चाहिए, इनके अगर जीवन के स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है, अगर इनके जीवन के स्तर में सुधार नहीं हो रहा है तो ये फिर क्या करे वोट दे करके, इनको सरकार को वोट देने से फिर फायदा क्या है? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर रही है, तीन पीढ़ी यहाँ गुजर गई,
तीन पीढ़ी यहाँ गुजर गई, लेकिन इसके बावजूद जो सड़क की स्थिति है, जो इनके जीवन की स्थिति है, वो ऐसी ही बनी हुई है। ये अगर मतलब आप घर की बात करें, जहाँ आप सुरक्षा की बात करते हैं, संक्रमण की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा घर के भीतर भी दिखाइएगा कि कैसे कर रहे हैं। आइए ना, चलिए तो हम देखेंगे। बढ़ जाए तो जैसे कि आप घर की बात करें, इधर आइए, अगर आप जैसे घर की बात करते हैं, तो अगर ऐसे ही यहाँ बच्चे हैं, ये आपको ठीक सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दे बाहर, थोड़ा एक बार, जो ठीक बाहर जो है आपको यही रोड दिखेगी, वही गंदगी दिखेगी, जहाँ वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ऐसे घर में सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब बच्चे को पेशाब लग जाता है तो चला जाता है रोड पर, वही जब बारिश के पानी जब बहना लगता है, नाला नहर है ना जी, नहर कितना बड़ा नहर है जी, पूरा गंगा जी में। आइए आराम से बैठ के बात करते हैं। बाद में जब नहर भरने के बाद ये पानी रोड पर आता है, तो ये पानी रोड पर हमको बच्चा के रात में, जैसे कि कहने का मतलब हम सो गए बाले बच्चे जी, कोई बच्चा के भी पेशाब या चाहे कुछ भी करने के होता है तो जाता है रोड पर जी। तो बताइए उतना रोड पर तो कितना बच्चा मर गया, कितना के सरकार देंगे बताइए, कितना बच्चा यहाँ मर गया है, कितना बच्चा के कोई लिखित नहीं है, लिखित हमको गारंटी नहीं है कि कितना मर गया, हमको खुद दो बच्चा मर गया। आपका दो बच्चा मर जी सर, लिखित के सामने हमको दो बच्चा मरा, 10 आदमी से भी पूछिए कि दो बच्चा हमको मरा कि सामने की नहीं सर। अब कितनी बड़ी कुर्बानी सर, ये लोग कितनी बड़ी कुर्बानी दे, दो इनके दो दो बच्चे जो हैं इसी रोड पे शहीद हो गए। अगर हम शहीद होने की बात करें तो सरकारी योजनाओं के बलि चढ़ गए, सरकारी योजनाओं के भेंट चढ़ गए, सरकारें बदलती रही, लेकिन सर लेकिन इनके लिए क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल है इनके लिए क्या हुआ। जो इनके घर में देखेंगे एक टीवी लगी हुई है, सरकार जो है, हर सरकार जो है इस पर भाषण पहुंचाने में तो सक्षम हो जाती है सर, लेकिन इनके घर में अगर आप कहीं ढूंढेंगे तो राशन पहुंचाने की बात नहीं होती है, भाषण पहुंच जाती है लेकिन राशन नहीं पहुंचती है। इनका सवाल आज भी आज़ादी के इतने बरस बाद भी यही सवाल है कि और ये लोग कितना संघर्ष करेंगे, क्या इनकी याद सिर्फ उन्हें चुनाव के वक्त में ही आएगी। तो यहाँ के सांसद हैं, सांसद कौन है सर, अरुण कुमार सिन्हा जी, विधायक हैं। अच्छा, अरुण कुमार सिन्हा जी विधायक, सांसद हुए रविशंकर प्रसाद। ओ रविशंकर प्रसाद जी, हाँ रविशंकर प्रसाद जी यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, अरुण कुमार सिन्हा हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आप जो सरकार कहती है कि हम अच्छे दिन की बात करती है, केंद्र में है, लेकिन अब इनको बताया, अब इन सरकारों को कौन रोक रहा है, इनकी ये जो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा कैमरा मैन एक बार और दिखाइए इन बच्चों की मासूमियत को देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बताइए। तो ये जो जैसे आप छोटे छोटे बच्चे की बात करें, ये जो बच्चे जो बलि चढ़ गए सरकारी योजनाओं की, सरकारी उदासीनता की बलि चढ़ गए, तो और कितने मासूम चढ़ेंगे, और कितने मासूम इस रोड पे ख़त्म हो जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। ये लोग सवाल करें भी तो करें किससे, जिनका अब ये सत्ता से सवाल कैसा सवाल करे, जब और ये कितना संघर्ष करे जिन्होंने अपने दो बच्चों की कुर्बानी तक दे दी, लेकिन आज भी रोड नहीं बना। तीन पीढ़ी बीत गई लेकिन आज भी सड़क नहीं बनी। सारी खबरें आप देख रहे हैं भारत लाइव पे जी सर, सड़क और ये लेबर वाला जिसे कहने का मतलब जी जी नहीं है जी जी, सारी खबरें आप देख रहे हैं भारत लाइव पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हौसला बुलंद करें, इनकी आवाज़ और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर आप इनके लिए अगर नहीं खड़े होते हैं, हम इनके लिए नहीं खड़े होते हैं, तो यकीन मानिए सर और कोई भी खड़ा नहीं होगा इनके लिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।